Yo, what is up guys? Welcome back to another video. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप जो है पॉकेट एडिशन के सर्वर के अंदर जो कि एट्रनॉस से बना हुआ हो उसके अंदर आप किस तरह से लैंड को क्लेम कर सकते हो। मतलब आपने पर्टिकुलर एरिया है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उस एरिया में कोई भी आकर कुछ नहीं कर सकता, ना ही आपकी चेस्ट ओपन कर सकता है, ना ही वहाँ पे कुछ ब्लॉक रख सकता है, ना ही तोड़ फोड़ कर सकता है। क्योंकि गाइस आपको पता है सर्वर के अंदर कुछ ऐसे शरारती बंदे होते हैं कि जो कि हैक करके जो है वेदर को स्पॉन कर देते हैं या फिर किसी के घर में से चोरी कर लेते हैं। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है गाइस, बट इसको सॉल्व किया जा सकता है वो पॉकेट के अंदर। जावा के अंदर तो बेसिकली होता ही है गाइस, बट पॉकेट के अंदर भी हो सकता है गाइस यूजिंग वन प्लगइन। वही मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आपको वो इंप्लीमेंट करना है और आप किस तरह से एरिया सेलेक्ट करने वाले हो। और आपको पता है हमारी सुपरकॉप SMP है, उसके अंदर भी आप किस तरह से एरियाज को सेलेक्ट कर सकते हो वो भी ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। सो बस वीडियो को पूरा देखना। वेल गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा और एरिया जो है वो स्क्वायर शेप में होना चाहिए ताकि जो है एकदम उसको क्लेम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अकॉर्डिंग टू जो है आप स्क्वायर का सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जितना बड़ा एरिया चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने 8x8 का सेलेक्ट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, इसमें से आपको डायगोनल जाना है, मतलब सिर्फ एक्स और जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से। एक्स और जेड क्यों, क्योंकि आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट डाउनलोड होते हैं, उसकी कोई नीड नहीं होती हमें। अभी देखो मुझे ऊपर कितने तक मेरा एरिया क्लेम करना है, मतलब अगर आप बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको वो भी एरिया सेफ होना चाहिए। इसलिए गाइस जितना आपको ऊपर चाहिए उतना आप क्लेम कर सकते हो, आपको हाइट में जाना है और वहाँ पे एक कमेंट टाइप करनी है /CA और पोजिशन का शॉर्ट फॉर्म POS1। वन पोजीशन सेलेक्ट कर देनी है और सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड कर दोगे आपकी पोजीशन वन सेट हो जाएगी। अभी आपको डाउनवर्ड जाना है क्योंकि एक तो ऊपर हो गया, अभी नीचे डाउनवर्ड का करना है, इसलिए आपको दूसरे डायगोनल पे जाके मतलब उसके सेम सामने के डायगोनल पे नीचे डाउनवर्ड जाना है। और ये जो एरिया क्लेम की कमांड है वो हर कोई यूज कर सकता है, उसके लिए ऑपरेटर होना जरूरी नहीं है और मैं भी अभी ऑपरेटर नहीं हूं, इसलिए तो यार मैंने यहां तक ही ब्रेक किया क्योंकि मुझे नीचे पिकैक्स चाहिए ब्रेक करने के। तो अभी मेरे पास पिकैक्स नहीं है, आप बेडरॉक तक जा सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको यहां पे सेम कमांड CA पोजीशन POS और 2 लिख देना है क्योंकि आपको पोजीशन 2 भी सेट कर देनी है। तो ये पोजीशन 2 सेट हो जाएगी, बस सेंड कर देना है। आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा पोजीशन 2 सेट। वेल गाइस आपका काम डन हो चुका है, बस अभी आपको एक कमांड टाइप करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको जो है सेंटर में आना है। जो भी एरिया के काम होते हैं ना गाइस, आपको जो भी कमांड यूज करनी है इस एरिया के सेंटर या एरिया के अंदर आके करना होता है। तो यहाँ पे ये सेंटर देखो, ये मेरे 8x8 का ये सेंटर है, अप्रोक्सीमेटली दिख जाता है, स्क्वायर को देख के आप बता सकते हो कौन सा सेंटर है। तो वहां पे आना है, वहां पे आपको एक कमांड टाइप करनी है /CA और फिर आपको क्रिएट टाइप करना है गाइस। एक्चुअली ये देखो, ये जैसे ही टाइप करोगे आपका एरिया क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। वेल तुम अब इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हो, अब इस एरिया में आके कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता है, ना यहाँ पे माइन कर सकता है, ना यहाँ पे TNT ब्लास्ट कर सकता है। अगर इस एरिया के अंदर कोई चेस्ट रखी गई हो उस चेस्ट को भी वो ओपन नहीं कर सकता है गाइस, ये तो खास बात है। जो ओनर है वही यहाँ पे सब कुछ कर सकता है, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय देखने के। अभी अगर आपको ये एरिया डिलीट करना है /CA डिलीट दबा दो, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, बट आपको उस एरिया में आके उसको डिलीट करना पड़ता है, दूर रह के आप डिलीट नहीं कर सकते हो, आपको इस एरिया के अंदर आके वो कमांड यूज करनी है। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में आके आपका दोस्त वो चेस्ट ओपन कर सके, यहाँ पे कोई बिल्ड बना सके, तो आपको किस तरह से उसको ऐड करना है, बस /CA व्हाइट लिस्ट टाइप करना है, फिर आपको ADD ऐड नाम लिखना है और उसका गेमर टैग, जो भी उसका गेमर टैग है वो लिखना है, एक्यूरेट लिखना, कैपिटल और जो स्मॉल का लेटर है वो भी सही लिखना है। अभी देखो क्या आता है, ये देखो अभी मैंने एरिया सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने एरिया को डिलीट कर दिया था, और आपको उसी एरिया के अंदर सेलेक्ट होकर ये कमांड लिख देनी है, तो आपका जो फ्रेंड है वो व्हाइट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, वो और आप ही एक्सेस कर पाओगे उस एरिया को। अगर आपको उस फ्रेंड को रिमूव करना है तो आपको सेम कमांड यूज करनी है, बस आपको ऐड की जगह पे रिमूव लिखना है और फिर उसका गेमर टैग, जैसे आप उसको सेंड कर दोगे आपका दोस्त व्हाइट लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे सुपरकॉप SMP में खेलते हो तो सेम कमांड आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, बस अभी सर्वर का IP थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ये सब चीज़ें ऐड नहीं की थी, बट हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आप पॉकेट माइन से कर सकते हो। बस इस पॉकेट माइन के अंदर एक ही मुझे दिक्कत लग रही है गाइस, एनिमल स्पॉनिंग ही नहीं है, पता नहीं ये क्यों है। तो मुझे उसके लिए उसके अंदर कुछ प्लगइन डालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सब आपको खुद को क्रिएट करना होता है और हैकर्स भी मेजर प्रॉब्लम है। तो हैकर्स से बचने के लिए भी गाइस मैंने इसके अंदर एंटी हैक सिस्टम लगाए, 2-3 लगाए, तो मुझे लगता है वो टूल बॉक्स को तो जो है जरूर बैन कर देंगे क्योंकि टूल बॉक्स ही होता है जो मैक्सिमम प्लेयर यूज करते हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माइनक्राफ्ट जैसे गेम को कोई हैक करके कैसे खेल सकता है यार, मतलब क्या ही बोले ऐसे प्लेयर के बारे में। छोड़ो गाइस, बस अभी मुझे इस वाले वर्ल्ड के अंदर एक ही प्लगइन ऐड करना है जो कि नेचुरल स्पॉनिंग का प्लगइन है, जिसको मैं ऐड कर दूंगा, फिर आपको इस सर्वर की लिंक आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना अप्रिशिएशन के लिए, और अपने चैनल को शेयर जरूर करना आपके जो भी दोस्त है उनके साथ।
और डिस्कॉर्ड में फॉलो करना, और इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हो गाइस।